खुद से ज़्यादा संभाल कर रखता हूँ अब अपने मोबाइल को, क्योंकि सभी रिश्ते तो अब इसी में कैद हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा, कि आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने और मेरे इस खास YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे किस विषय पर बात करने वाली हूँ? अपने आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ षष्ठ तिल एकादशी के बारे में। कर लो, चलिए एकादशी पर क्या करना है बता दे। माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को षष्ठ तिल एकादशी कहते हैं। जैसे कि नाम में ही पता लग रहा है कि इसका कनेक्शन तिल से होता है। ओए होए, माघ का महीना, स्नान कर रहे हैं आप। माघ के महीने में नहाने का, सुबह जल्दी उठ के स्नान करने का बिल्कुल वही फल है जो कार्तिक के पावन महीने में स्नान करने का मिलता है। विष्णु जी की पूजा की जाती है, हरि की पूजा की जाती है, पीले फूल अर्पण किए जाते हैं भगवान को, तिल का भोग लगाया जाता है। आज पानी में तिल डालकर स्नान किया जाएगा और तिल खाए जाएंगे, तिल का दान किया जाएगा, तिल के लड्डुओं का भगवान को भोग लगाएं। आज जितना ज़्यादा हो सके उतना तिल का प्रयोग करें, लेकिन मैं आपको बताऊंगी तिल का प्रयोग 6 तरीके से करने का। अगर आज आपने इन 6 तरीके से तिल का प्रयोग कर लिया तो ओए होए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तिल का उपटन लगाकर स्नान करें, बहुत अच्छा रहेगा। तिल स्नान करते हुए पानी में डालें, तिल बहते हुए जल में जल प्रवाह करें, तिल की मिठाई ज़रूर खाएँ, तिल भगवान को भोग ज़रूर लगाएँ, तिल का दान आज ज़रूर करें, तिल का हवन आज ज़रूर करें। आज आप अपने घर में शंख ज़रूर बजाएं, आज आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु जी को पीला चंदन अर्पण कर सकते हैं। आज आप तुलसी की परिक्रमा 108 ज़रूर कर सकते हैं, तुलसी पर दीपक जला सकते हैं, भगवान को तुलसी अर्पण ज़रूर कर सकते हैं। सर्दी और जनवरी के महीने में आस पास जितनी तुलसी लगी हुई हो उसकी डंडियाँ जो हैं वो सूखने लगती हैं, मतलब पत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं और डंडियाँ बचती हैं। ओए होए, इन्हें फेंकना मत, ये करोड़ों रुपए की हैं। और मैं आपको बताऊंगी इसके उपाय। इन सारी डंडियों को इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा कर इसका आप हवन कर सकते हैं। इन सारी डंडियों को इकट्ठा कर लीजिए, इन डंडियों को इकट्ठा कर एकादशी वाले दिन शालिग्राम जी के सामने, विष्णु जी के सामने, भगवान के सामने बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एक तुलसी की डंडी ली। मैं ये उपाय आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लपेटी, उसे दीपक में रखा, घी जलाया और आपने इसे विष्णु जी के सामने जला दिया बाती बनाकर तुलसी के पेड़ की। आपको इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप मालामाल और धमाल हो जाएंगे। तो आज आप ये सब काम जरूर करें। खाने में आज तिल की चटनी सबको जरूर खिलाएं, आज कंबल का दान जरूर करें और आज आप चप्पल छतरी जो भी दान कर सकते हैं उतना दान जरूर करें। अपने पितरों के नाम कर आज तिल भी आप जो है काले तिल सफेद तिल मिलाकर आज आप पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर